Now we'll talk about the next type of tense, which is present continuous tense. It is also known as present progressive tense. So, what is present continuous tense? See, bachche, whenever we are going to talk about, see, somebody has raised their hand. Wait a second, beta. Chaliye. So, let's talk about present continuous tense, which is also known as, iska ek aur naam hai present continuous ka, present progressive tense. Ab hum baat karte hain ki hote kya hai aur hum kahan use karte hain tenses. See, continuous ka matlab kya hota hai? Simple sa samjhenge, pehle word se samjhenge, theek hai? Continuous ka matlab kya hota hai? Sabko pata hai continuous ka matlab? Jo cheez chal rahi ho, hands down, hai na? जो चीज चल रही हो वो कॉन्टिन्यूअस है ना? जो प्रेजेंट में चल रही है वो क्या हो गया इसका मतलब? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. एंड प्रोग्रेसिव मीन्स भी यही होता है, कॉन्टिन्यूअस. जो चीज चल रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है ना? तो प्रेजेंट में प्रोग्रेस हो रही है अगर किसी चीज में, तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया. नाम से क्लियर हुआ टेंस का फंक्शन कि कहां यूज करेंगे हम present continuous, that whenever we are going to talk about to present time, that ongoing action, ki right now kaun sa action chal raha hai. Jaise abhi aap log kya kar rahe ho, you are listening, hai na? Kuch aap mein se kya kar rahe hain, some of you are writing, hai na? Kuch aise bhi mahan bachche hain jo kisi se baatein kar rahe hain, to wo kya kar rahe hain, they are talking, right, hai na? वो महान होंगे ना जो क्लास के टाइम में बातें कर रहे हैं, करेक्ट? सो दे आर टॉकिंग. सो जो काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा हो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहेंगे. जैसे अगर आप अभी खा रहे हो तो आप क्या कहोगे कि आई एम ईटिंग. अगर कोई खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग. कोई रीड कर रहा है तो शी इज रीडिंग, राइट? कॉन्टिन्यूसली एक्शन चल रहा है, वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. नाउ अब है ना, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्रैम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना. वी डिनाइड दिस कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्रैम करना. नो, हमने क्या समझना है कि व्हेन एवर वी नीड टू शो अ कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कभी भी आपने कॉन्टिन्यूअस एक्शन शो करना है किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर. कि प्रेजेंट में हम कर रहे हैं, कर रहे थे या कर रहे होंगे, ठीक है? तीनों टेंस में जब भी हमने कॉन्टिन्यूअस एक्शन शो करना है ना, विल ऑलवेज नीड्स वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. वी ऑलवेज नीड. आपने बहुत सी बुक्स में इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से जाना होगा, है ना? बहुत सी बुक्स है हमारी जिसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा होता है एज वर्ब्स फोर्थ फॉर्म. जैसे फर्स्ट हमारा इन्फिनिटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड होता है पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल, एंड फोर्थ फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव, ठीक है? जो कि लिखा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. फिर कोई भी हमारा टेंस हो, हमने कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखाना है, हम क्या लगाएंगे? वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ओनली, ठीक है? और जिस टेंस की हम बात करेंगे उस टेंस की लगाएंगे ऑक्सिलरी. नाउ अब सबको पता है कि प्रेजेंट की ऑक्सिलरी क्या है? इज अमाउंट, राइट? प्रेजेंट को शो करने के ऑक्सिलरी हमारे पास क्या होती है? इज अमाउंट. सो चलो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं नाम से, कि सब्जेक्ट तो हमें पता है कि होना ही चाहिए, है ना? करेक्ट. प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट ऑक्सिलरी लगा दी हमने इज एम आर. ओके, कॉन्टिन्यूअस एक्शन शो करने के लिए हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट. बन गई हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर. नो नीड क्रैम करने की जरूरत पड़ी. सिर्फ इतना सा याद रखना है हमें कि जब भी कंटिन्यूअस हो, चाहे फिर प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑलवेज, ठीक है? जिस टेंस की बात करें उस टेंस की ऑक्सिलरी लगेगी. प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वाज वर, फ्यूचर है तो विल शैल. दैट्स इट, सिंपल. दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. गॉट इट? क्लियर है? अब यहीं पे इसका नेगेटिव लिखूं? नेगेटिव, दो मिनट रखिए, ठीक है? यहीं पे इसका नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है? रक्षित एक मिनट दो मुझे, ये कवर करते हैं, उसके बाद में डाउट होता है. कि नॉट लगाने के लिए व्हाट वी यूज, नॉट कहाँ यूज करते हैं? विल यूज नॉट ऑलवेज विद ऑक्सिलरी. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी क्या है? इज एम आर.
तो लगा दो भाई इस एम आर के इमीडिएट आफ्टर, नॉट लगा दिया, देन कॉन्टिन्यूस को शो करने के लिए वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगा दिया हमने, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा पॉजिटिव बन गया, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। चलो इंट्रोगेटिव भी लगे हाथ लिख ही लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, ऑक्सिलरी बाहर निकालेंगे सब्जेक्ट से पहले, सो ओके विल डू दिस, इज एम आर सब्जेक्ट से पहले लगा दिया भाई, ठीक है फिर सब्जेक्ट लगा दिया, बचा गया हमारे पास कॉन्टिन्यूस एक्शन शो करने के लिए वर्ब, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगा दिया हमने, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सभी स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। चलो लेट्स रीड सम एग्जाम्पल्स, लाइक शी इज रिसाइटिंग अ पोएम, वो क्या कर रही है, पोएम रिसाइट कर रही है, दे आर रिसाइटिंग अ पोएम, वो क्या कर रहे हैं, पोएम रिसाइट कर रहे हैं। अब ये सेम एग्जाम्पल क्यों दी, रीजन बिकॉज आपको पता हो कि ऑब्जिलरी यूज कहाँ कहाँ होती है, चलो देखते हैं, इज होता है सिंगुलर के साथ, आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं, एंड आर होता है प्लूरल के साथ, सो शी इज हो गया, दे आर हो गया और आई एम हो गया, राइट। ये तो बहुत बेसिक से एग्जाम्पल है, आप बहुत सारी एग्जाम्पल और लिख सकते हो, है ना। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग आउटसाइड, बहुत से बच्चे जो है क्या है बाहर बैठ रहे हैं। अ टिकट चेकर इज चेकिंग द टिकट एट द काउंटर, टिकट चेकर क्या कर रहा है अभी, वो एक्शन जो ऑन गोइंग एक्शन है जो अभी चल रहा है, क्या कर रहा है, चेक कर रहा है टिकट्स, तो इज चेकिंग, चेक क्या है वो अभी फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आई एन जी लगा दिया, चेकिंग बन गया था टिकट एट द काउंटर। वी आर नॉट होल्डिंग मीटिंग टूमोरो, ठीक है, एम आई प्लेइंग इन द टूर्नामेंट, क्या मैं टूर्नामेंट में खेल रहा हूँ, रहा हूँ मीन्स प्रेजेंट में एक्शन कर रहा हूँ। चलो नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दिया है, फटाफट से एग्जाम्पल्स करते हैं, है ना। द स्क्वायर इज हाइडिंग द नट्स इन द ट्री, चेंज करो इसको नेगेटिव में, कैसे करोगे, द स्क्वायर इज क्या है ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी के इमीडिएट आफ्टर नॉट लगाया, हाइडिंग क्या है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, द नट्स इन द ट्री, नेक्स्ट शी इज स्विमिंग इन द पूल, तो शी इज नॉट स्विमिंग इन द पूल, नेक्स्ट वी आर वेटिंग फॉर द गेस्ट, we are not waiting for the guest, right, clear है, interrogative में करना है तो कैसे, she is wearing a hat today, तो is क्या है auxiliary, auxiliary बाहर निकालेंगे interrogative में, फिर subject Raju wearing verbs first form plus ing a hat today, जैसे she is swimming in the pool, तो is she swimming in the pool, we are waiting for the guest, are we waiting for the guest, question बन गया ना interrogative, है कि नहीं, ओके सो आपको बहुत सारे जैसे नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव चेंज करना आ सकता है, तो ये तीन चार एग्जांपल उसी से रिलेटेड है कि दे आर नॉट गोइंग टू सी देयर पेरेंट्स, इसको क्या अफर्मेटिव चेंज करो, तो नॉट हटा देंगे बस, दे आर गोइंग टू सी देयर पेरेंट्स, इज ही स्टिल वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट, अफर्मेटिव बनाओ, तो इज क्या है सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, ही स्टिल वेटिंग फॉर हिज रिजल्ट, आर वी गोइंग टू सिंगापुर फॉर वेकेशन, तो इसको अफर्मेटिव में बनाना, मतलब आर क्या है वी के बाद लगा दो, वी आर गोइंग टू सिंगापुर फॉर वेकेशन, सिंपल। ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकता है, ओके सी दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल, उसमें टेंस आइडेंटिफिकेशन आता है हमें सबसे पहला तरीका जो पूछने का है, दूसरा आपको आ जाता है कि सेंटेंस नेगेटिव दिया, व्हाट इज द अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, चार ऑप्शन गिवन है, चलो फाइंड करते हैं उसमें से कौन सा करेक्ट फॉर्म होगा, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म, अगर हमें चेंज ही नहीं करना आएगा तो हम इस चीज को कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, ऑक्सिलरी देके वर्ब फिल करने को आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस है तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए इन योर हेड, ठीक है, सो दैट कि आप इन आंसर्स को फिल कर सकें, करेक्ट है, इज इट क्लियर, नो विश्व, ऐसा कोई रूल नहीं है, वेरी गुड इमरान बादशाह, वेरी गुड रक्षित, ओके लहर अपना क्वेश्चन पूछो, पिक्चर बताई थी आपको तीनों सिंपल प्रेजेंट की, सो जैसे कि इसके एग्जांपल अगर मैं करूं तो क्या होगा, लाइक
they are playing football, right? देख क्या होगा सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑक्सिलरी में से आर लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी क्या बना, प्ले का प्लेइंग बन गया, ऑब्जेक्ट फुटबॉल। अगर नहीं खेल रहे तो क्या हो जाएगा कि दे आर नॉट लग गया इमीडिएट आफ्टर, देन प्ले का क्या बन गया प्लेइंग फुटबॉल, वो नहीं खेल रहे। और अगर क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी बाहर तो इसे मार्ग से आर लगाया, क्यों सब्जेक्ट प्लूरल है, आर दे सॉरी प्लेइंग। लहर अभी समझ आया कहाँ कहाँ यूज करेंगे, सभी को क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, होपफुली। विश्व राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स प्लीज, विश्व राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।